स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल डिजिटल एसएलटी में। आज हम कंपैरिजन करने चाह रहे हैं वीवो वाई 35 और ओप्पो A78 5G। अगर आप ये फ़ोन लेना सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। वीवो वाई 35 में आपको 6.58 इंच का FHD प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं अगर आप देखेंगे ओप्पो A78 में तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की में अगर आप देखेंगे तो वीवो का फ़ोन Y35 बेटर रहेगा। अगर आप प्रोसेसर देखेंगे वीवो Y35 में तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का आपको प्रोसेसर मिलता है। वहीं अगर आप ओप्पो में देखेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 5G प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है। तो अगर हम प्रोसेसर देखेंगे तो ओप्पो A78 5G का प्रोसेसर अच्छा रहेगा। अगर हम कैमरा देखेंगे तो वीवो Y35 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है हमें, रियर कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं अगर हम ओप्पो में देखेंगे तो 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और सेल्फी कैमरा वीवो Y35 का 16 मेगापिक्सल है और ओप्पो A78 5G का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल है। तो सेल्फी कैमरे में वीवो Y35 कैमरा ही अच्छा रहेगा। दोनों फ़ोन के अंदर बैटरी सेम है। वीवो Y35 के अंदर जो चार्जर हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 44 वैट, और ओप्पो A78 5G के अंदर हमें चार्जर थोड़ा कम मिलेगा 33 वैट। तो चार्जर के अंदर यहाँ पर वीवो का फ़ोन ही अच्छा रहेगा। नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में वीवो का फ़ोन 4G और ओप्पो का फ़ोन 5G मिलता है हमें। दोनों फ़ोन में डुअल नैनो सिम कार्ड बैठेंगे। दोनों का भी वेट सेम मिलेगा हमें 188 ग्राम। दोनों ही फ़ोन में दो कलर मिलेंगे हमें, वीवो में ब्लैक गोल्ड और ओप्पो के फ़ोन में ब्लू और ब्लैक कलर मिलेंगे। अगर आप दोनों में से कोई एक फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक से जाकर परचेस कर सकते हैं। इसी तरह के ऑफर्स डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।